So, hi all my 11th standard Lovie students. Now we're going to start our chapter. As in my last lecture, we have discussed about the history of biology, right? And so many different points as well. बहुत सारे अलग अलग topics को भी हमने add किया था. हमने उसमें development देखा, diversity से related research भी देखी, सब कुछ चीजें देखी. और मैंने ये भी explain किया था कि मैं अपने हर particular chapter में सबसे पहले उस topic से related history पढ़ाती हूँ, right? ठीक है? अब देखो, वो तो इंट्रोडक्शन एक पार्ट था, राइट? अब क्या होता है, जब हमें कोई चीज पढ़नी है या समझनी है तो हमारे दिमाग में हमेशा तीन चीजें होनी चाहिए. मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बताती हूँ कि वो तीन चीजें दिमाग में रखो, दैट इज क्या, क्यों और कैसे. ओके, आप फ्यूचर के डॉक्टर बनने वाले हो, ठीक है? अगर डॉक्टर नहीं भी बन पाए तो यू विल हैव टू बिकम अ साइंटिस्ट, ठीक है? जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है अभी, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट बोथ. क्यों, वो आपको भी पता है, बिकॉज ऑफ कोरोना, है ना, है कि नहीं? एनीवेज, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ सच डेवलपमेंट एंड रिसर्च. बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बट बात ये होती है वो आप तब कर सकते हैं जब आपके पास उस चीज का नॉलेज हो, ठीक है? किसी चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सो हमेशा इन केस ऑफ बायोलॉजी देखो क्या होता है, थॉट प्रोसेस होती है. लोग बोलते हैं हाँ, अरे रट्टे तो मारना है बायोलॉजी में, रटना मार. जिसको हाँ ठीक है, मैथ समझ में नहीं आता वो बायोलॉजी ले लेता है, रटना होता है और क्या है. नहीं, ऐसा नहीं है. नो डाउट, आई एग्री, रटना पड़ता है टर्मलॉजीज को, क्योंकि वो टर्म ऐसी है, वो लैंग्वेज वैसी है, वो पूरा एक सेंटेंस ऐसा है, तो वो हाँ ठीक है, कई बार मगरपिक करनी पड़ती है. बट जितना कैलकुलेटिव, जितना इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड बायोलॉजी है, उतना कोई भी सब्जेक्ट नहीं है. ओके, कैसे? हम सिंपल बात करते हैं केस स्टडीज की, ठीक है? जैसे मैंने शायद मेरे अपने बच्चों को हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अगर कभी आप डॉक्टर के पास गए फॉर एग्जांपल, या फिर आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपके पास पेशेंट आया. देखो, कुछ भी पढ़ने के पहले फील लाओ. जब तक तुम सोचोगे नहीं कि तुम डॉक्टर हो तब तक तुम पढ़ नहीं सकते, ये समझो बात को, ठीक है? सो अगर तुम डॉक्टर हो और डॉक्टर के पास एक पेशेंट आ रहा है, या पेशेंट ने आके तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, अब अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगा, है ना, आप ये आंसर नहीं कर सकते कि यार मैं पढ़ के बताता हूँ, कल आना तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा, क्या हुआ है तुमको मैं पढ़ के बताऊंगा. नो, यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजंस ऑन द स्पॉट. यू नीड टू एनालाइज द पैरामीटर्स ऑफ दैट पेशेंट, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच सिचुएशन ही और शी इज, एंड व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस आर देयर, एंड यू नीड टू कैलकुलेट ऑल द पैरामीटर्स विद द रिजल्टेंट मेडिसिंस, कि कौन सी पर्टिकुलर दवाई, कौन से मेडिसिन का कंपोजिशन इस पेशेंट को हेल्प करेगा, क्या करना चाहिए, एंड देन पर्टिकुलर कैलकुलेशन वो जब फिक्स बैठेगा, प्रॉपर बैठेगा और उसका रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, देन ओनली पेशेंट विल बी फाइन, है ना, वो चीज है. सो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ कैलकुलेशन. तो ये सारी कैलकुलेशंस बहुत सालों से चलती आ रही है, जैसे ही बायोलॉजी डेवलप हुआ, जो हमने देखा, है ना, हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि बायोलॉजी कैसे डेवलप हुई है, राइट? सो आज हम स्टार्ट करेंगे कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? सो हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ से स्टार्ट करेंगे. तो उसका सबसे पहला टॉपिक आता है, मैं हमेशा 11th में स्टार्ट करवाती हूँ किससे, बेसिक चैप्टर से, दैट इज सेल. विच वन? सेल. ओके, सो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ डिटेल्स काफी सारी लिखी हैं और एक बहुत डायग्राम बनाया है आपके लिए अच्छा सा. सो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, बिफोर आई गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स, यू जस्ट राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन एंड ड्रॉ दिस पर्टिकुलर डायग्राम एंड देन विल स्टार्ट. ओके, जस्ट डू इट. ओके, सो आई विश एवरीवन हैज बीन नोटेड दिस. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8, दैट इज सेल. मैं हमेशा 11 को सेल चैप्टर से स्टार्ट करवाती हूँ. क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना. हम सीधे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी, नई नई टर्मोलॉजीज आएंगी, नए नए पर्टिकुलर थ्योरीज आएंगी, सो यू विल नॉट बी कंफर्टेबल विद दैट सब्जेक्ट. ओके, सो फर्स्ट वी शुड बी कंफर्टेबल, सो वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8, दैट इज सेल. ओके, द चैप्टर नेम इज सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना.
और ये हमने कई बार सुना है, राइट? हम 8th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से सुनते आ रहे हैं कि हाँ भाई, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ अ सेल, और सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अ लाइफ। हाँ मैडम, ये हमें पता है, इसमें क्या है, सेल कितने टाइप के होते हैं ये भी हमें पता है, सेल का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो हमें पता है, सेल के स्ट्रक्चर क्या है, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं, हमें सब तो पता है। तो फिर अब ये चैप्टर में और क्या करना है ना, इस चैप्टर में ही मेन काम करना है। अब आपको उन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ना है, आपको बहुत सारी क्रिएटिव चीजें पता चलेंगी, आपके इस चैप्टर में ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे जब उस टाइम पे 9th में पढ़ना पड़ता था कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, तो आज आप ये पढ़ पाएंगे कि वो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों है, एग्जैक्टली वो क्या करता है, उसके मेटाबॉलिज्म क्या है, गॉल्गी बॉडीज कैसे हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल एग्जैक्टली क्या है, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें, क्रिएटिव चीजें आप जान पाएंगे, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, ठीक है? ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज ऑलवेज आई डू हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ अ टॉपिक, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल। अब अभी जो मैंने डेफिनेशन बोली वो नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, एग्जैक्टली सेल क्या है। अगर अब आप 11th में आ चुके हैं तो 11th स्टैंडर्ड में हमारे आंसर्स भी थोड़ा स्टैंडर्ड वाइज होने चाहिए ना, हम बड़े हो गए हैं बॉस। सो बेसिकली सेल इज एन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एक ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, एंड इट गेट्स डिवाइड, वो एक नई लाइफ को डेवलप करती है, और उसके बिना पूरा ऑर्गेनिज्म इनएक्टिव हो सकता है, फंक्शन नहीं कर सकता, एबनॉर्मल बिहेव कर सकता है। तो एक ऐसी छोटी सी चीज जो नॉर्मल हमारी नेकेड आई से हम देख भी नहीं सकते, और वो एक छोटे सा मिरेकल पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेके दौड़ता है, ठीक है? और उस एक छोटे से इनविजिबल चीज ने आज हम सभी की लाइफ को घरों में लाके बंद कर दिया है, इस लॉकडाउन को हमें फेस करना पड़ रहा है, दैट इज अ वायरस, दैट इज विच वन, कोरोना, राइट? बट वो एक सिंगल पार्टिकल जो कि नॉर्मली जब एटमॉस्फेयर में है तो वो डेड है, वो क्या है, इनएक्टिव है, राइट? एंड व्हेन ही गेट्स दी होस्ट सेल, जैसे ही उसको एक बॉडी मिल रही है, वो एक बॉडी के अलाइव सेल में आ रहा है, सो इट गेट्स एक्टिवेटेड, ठीक है? वो एक्टिव हो जा रहा है, अपने नंबर ऑफ काउंट ऑफ सेल्स बना रहा है और फिर इन्फेक्शन को फैला रहा है, ठीक है? सो वो क्या है, अगेन इट्स एन मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो एक नॉर्मल लिविंग सेल भी कर रहा है, और एक नॉन लिविंग पार्टिकल एज अ पैरासाइट, दिस कोरोना इज व्हाट, कोरोना वायरस इज अ पैरासाइट, बिकॉज़ इट कम्स इन आवर बॉडी एंड कंज्यूम आवर बॉडी न्यूट्रिएंट्स, डिवाइड हिमसेल्फ एंड मेक लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड स्प्रेड इनटू थ्रू आउट द बॉडी एज फास्ट ही कैन डू। बट ये कोरोना में तो और मैजिकल चीजें हैं, आपको एक चीज और मैं बताती हूँ, कोरोना इज बेसिकली अ स्पीशीज नेम, एंड वी दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर व्हिच वी आर फेसिंग राइट नाउ, इट इज COVID-19, इट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरोना वायरस, जिसके सेल वॉल पे बहुत सारे क्राम लाइक एंटीजन्स हैं, और वो सारे हमारे बॉडी पे इजीली एंटर बॉडी के सेल में हो रहे हैं, और ये न्यूक्लियस पे अटैक नहीं कर रहे, उससे पहले ही न्यूक्लियस पे अटैक करने के पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के राइबोसोम पे अटैक कर रहे हैं, और राइबोसोम से वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन कोड बना रहे हैं जिसको हमारा सेल इजीली रीड कर पा रहा है, और वैसे ही प्रोटीन एंटीकोड्स डेवलप कर पा रहा है, और वो कोरोना ग्रूम कर पा रहा है। तो ये कितने छोटे छोटे सेल्स हैं, है ना? तो अब ये छोटे छोटे सेल अगर ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो ये सेल किसी ने तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किए होंगे। आज की डेट में जितनी रिसर्च चल रही है उस पर हमने ये सब पता कर लिया है कि कोरोना COVID-19 का स्पेसिफिक कोड है, हमने ये भी पता कर लिया है कि वो पहले राइबोसोम्स को अटैक कर रहा है, राइबोसोम से स्पेसिफिक कोड बना रहा है, फिर न्यूक्लियस में जा रहा है, उसके बाद सेल डैमेज कर रहा है। हमने कितनी सारी रिसर्च कितनी जल्दी पता कर ली, ऐसा कैसे हुआ, क्या ये फटाफट हो गया, या ये जो टेन्योर है पिछले 2 या 3 महीने से जो पूरा वर्ल्ड स्ट्रगल कर रहा है, इतने कम टाइम में हमने इतनी रिसर्च कर ली, तो क्या ये इतना इजी था? नहीं, ये हिस्ट्री बेस्ड है, ठीक है? कैसे, वही हम जानेंगे। तो बिफोर बिकम अ डॉक्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक यूनिट ऑफ अ लिविंग बॉडी,
उस बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो सबसे बेसिक यूनिट है उसके बारे में जानना होगा. सो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद अ चैप्टर दैट इज सेल. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ सेल. तो अब हिस्ट्री ऑफ अ सेल की बात की जाए तो सिंपल है. हाँ मैडम हमें पता है रॉबर्ट हुक ने उसको डिस्कवर किया था 1665 में. वो आइडेंटिफाई हुआ था एक डेड सेल के अंदर देखा गया था. अब इसमें हिस्ट्री में क्या है? नहीं, रॉबर्ट हुक भाई साहब के आने के पहले भाई साहब इन द सेंस आई मीन सेइंग इन रिस्पेक्ट इज अ वेरी गुड साइंटिस्ट इज अ जीनियस पर्सन बिकॉज उन्होंने ये चीज कॉन्सेप्ट दिया तब जाकर के चीजें प्रूवन हुई. सो बिफोर हिम यहाँ इस पूरे फ्लो में रॉबर्ट हुक कहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं राइट. उनके पहले इतने सारे लोग आ चुके थे. उन्होंने ये सब कुछ कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें की थी जिनको मर्ज करके रॉबर्ट हुक ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया और उनके उस कॉन्सेप्ट पे फर्दर इतने सारे और लोग थे जिन्होंने अलग अलग काम किया और फिर हम एग्जैक्टली सेल के बारे में जान पाए. उसके बाद हमने सेल के बाद में टिश्यू के बारे में जाना, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज बॉडी के बारे में जाना. ठीक है, तो हम पहले आज वो कहानी देखेंगे जो हमें आज तक नहीं पता. एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ सेल या ये कहा जाए कि डिस्कवरी ऑफ अ सेल या आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल की कहानी स्टार्ट हो चुकी थी 1590s में. कब हो चुकी थी? 1590s में, जब फ्रांसिस एंड जैकेरियस जॉनसन ने, ये दोनों ड्यूक साइंटिस्ट थे, ड्यूक वॉज एन एरिया, सो ड्यूक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1590 में सबसे पहला ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बनाया था. नाउ व्हाट इज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड व्हाट इज एन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? आपने 10th क्रॉस क्लियर करके आए हैं, हम सब ऑप्टिकल लेंस के बारे में जानते हैं राइट. सो वही चीज है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल लेंस से बना था जो एक बहुत ही स्मॉल यूनिट थी और उसमें भी इतना क्लियरली चीजें पता नहीं चलती थी, लेकिन फिर भी उसकी मदद से उन्होंने सबसे पहला माइक्रोस्कोप डेवलप करने कौन से माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसको फर्दर एक और थे कौन, दैट इज कार्पर. इन द ईयर ऑफ 1611 कार्पर वाज अ पर्सन हु डेवलप्ड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ 10x एंड 30x. x इज व्हाट? दिस x इज व्हाट? दिस इज मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग यूनिट ऑफ अ लेंस. आप शिखर में जब आएंगे तो हम जब माइक्रोस्कोप वाले सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं सो यू विल सी दैट पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप एंड देयर लेंसेज ऑल्सो. देन आई एक्सप्लेन लाइवली सो यू कैन अंडरस्टैंड मोर इजिली. सो हु वॉज द पर्सन हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? दिस वन 10x एंड 30x. देयर इज वन डायग्राम आई हैव मेंशन. ओके, ये डायग्राम है. ये डायग्राम एग्जैक्टली क्या है? ये वो बेसिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने यूज किया था. रॉबर्ट हुक ने इसी तरह के माइक्रोस्कोप से उस डेड सेल को देखा था सबसे पहले. हमारे जैसे आजकल के माइक्रोस्कोप हैं वैसे माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे. माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इस तरह से डेवलप किया गया. उसको डेवलपमेंट के इस स्टेज पर लाने के पहले इतने सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, सो यहाँ पे कौन कौन आ गए? फर्स्ट ये 1590s में माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट आया ऑप्टिकल लेंसेज को यूज करके. फिर उसी कॉन्सेप्ट पे 1611 में काम किया गया और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 10x और 30x की हाई मैग्नीफाइंग पावर में डेवलप किया गया. देन फर्दर आए कौन? यू नो हिम वेरी वेल, दैट इज गैलीलियो गॉल्गी. ठीक है, गैलीलियो गॉल्गी इन द ईयर ऑफ 1610 ही कंस्ट्रक्टेड हिज ओन माइक्रोस्कोप. ठीक है, मतलब ओन इन द सेंस उन्होंने वो खुद बनाया था और अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली लाइट की मदद से डिफरेंट डे टाइम में लाइट का रिफ्लेक्शन करा करा के डिफरेंट ऑब्जेक्ट से उन्होंने अलग अलग कंपोनेंट्स को देखा था. और उनमें सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा देखा था? आईज ऑफ एन इंसेक्ट. जैसे बीज होती ना, हनी बीज है ये सब, तो उनकी आंखों को छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आईज को उन्होंने देखा था. तो इंसेक्ट आर इजीली विजिबल बाय नेकेड आईज बट देयर ऑर्गेनिजम्स देयर ऑर्गेनल पार्ट्स इज नॉट इविजिबल इजीली राइट. सो व्हाट ही डिड, ही प्रिपेयर्ड हिज ओन कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप विद अ मोर हाई मैग्नीफाइंग पावर लेंसेज एंड ही ऑब्जर्व आई ऑफ अ इंसेक्ट. दैट वॉज अ बिगेस्ट अचीवमेंट बिकॉज वो उस टाइम पे फिर उन आईज के कंपोजिशन को, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके फंक्शन को आइडेंटिफाई किया गया. इट वॉज अ बिगेस्ट अचीवमेंट एट दैट टाइम. देन फर्दर उन्हीं की इस स्टडी को और आगे बढ़ाया किसने? मार्केलो मारपीगी, है ना,
बच्चों को हंसी आती है इस नाम पे, मैडम कहता नाम है माल पिघी है ना, बट नहीं, ही वॉज अ बिगर साइंटिस्ट। ठीक है, तुम जो ये बोलते हो ना मैडम कहाँ साइंटिस्ट के नाम पढ़ने पड़ते हैं, कहाँ ये करके चले गए, हमें आज पढ़ना पड़ रहा है, हम ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग काम नहीं करके गए होते तो आज जो भी हम कुछ हैं हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते। और इन फ्यूचर में आप लोग जब ऐसी रिसर्च करके जाओगे तो उसके आने वाली नई जनरेशन भी कुछ नया कर पाएगी, अदरवाइज वो भी नहीं कर पाएगी। सो हिस्ट्री ऑफ एनी टॉपिक इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। You should always memorize the things, okay? Now come back. So Malpighi, in the year of 1628 to 1694, he was an Italian entomologist. He was, and he observed the structure, basically structure of plant and animal cell. जो हमने 9th standard में पढ़ा है ना, 8th में पढ़ा है, there are two type of cells that are prokaryotic and eukaryotic, right? But further, in case of eukaryotic, there are two type of cells: prokaryotic cells and plant cells and animal cells, right? So that particular plant cell and animal cell was firstly observed by whom? That is Marcello Malpighi, and he gives a particular terminology at that time, that is utricles. What? Utricles. In the year of 1661. So this was the first main research which was followed by whom? Robert Hooke. In the year of 1665, Robert Hooke used that particular microscope which is developed by Antoni von Leeuwenhoek, in which what was there are two base lines. देखो यहाँ पे दो bases है, दो particular angles बने हुए हैं, जिसमें से यहाँ एक इस stand पर हमने एक angle यहाँ लगाया था उन्होंने, और candle लगाई हुई है, candle just for flame for light है ना, लाइट के लिए कैंडल थी, और उसी कैंडल के साथ एक हैंगिंग डोर पे एक बॉटल लगाया हुआ था जिसमें वो ऑयल होता था, उस ऑयल को कंज्यूम करके कैंडल जलती थी, राइट? जैसे हम दिए लगाते हैं तो दिए में एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑयल होता है ना, उसके थ्रू फिर वो ऑयल सक करके कॉटन फिर फायर कैच करती है, राइट? सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ था। तो इस स्टैंड पे हमने ये चीज कर Antoni von Leeuwenhoek ने इस तरह से इसको डेवलप किया। फर्दर एक कंडेंसर यूज किया। कंडेंसर आर व्हाट? कंडेंसर में एग्जैक्टली क्या होता है, जो हम ऑप्टिकल लेंसेस यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सेस ऑफ लाइट को कंज्यूम करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और एक छोटे पोर्शन पे पेनिट्रेट कर देता है, यानी यहां से खूब सारा लेना और यहाँ पे एक छोटी जगह पहुंचा देना। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से ज्यादा क्वांटिटी में लाइट आ रही है और एक ही पॉइंट पे प्रिंट आउट हो रही है तो एक पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी और लाइट का बीम और वेवलेंथ भी उतना ही फास्ट होगा, इतना हम समझ सकते हैं, राइट? सो वैसे ही एक कंडेंसर यूज हुआ था। सेकेंड बेस स्टैंड जो बनाया गया वहां पर एक स्क्रू बेस लाइन बनाई गई, ऐसा एक एंगल बनाया गया और उसके ऊपर स्लाइड रखी गई जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन द सेंस जो स्लाइड्स हम बनाते हैं, मेरे शिखर के स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल्स किया हुआ है पहले से और जो हमें नए न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, डोंट वरी, जिन्होंने शिखर ऑलरेडी पहले ही 9th 10th में बहुत हम शुरू से प्रैक्टिकल्स कराते हैं, एंड द न्यू स्टूडेंट दोज हैव जॉइंड अस, डोंट वरी, व्हेन द लॉकडाउन विल गोइंग टू ओपन, हमारे रेगुलर लेक्चर्स से स्टार्ट होंगे तो हम वो प्रैक्टिकल सेशंस भी आपको देंगे। तो वहां प्रैक्टिकल्स पे स्लाइड्स बनाते हैं, उसमें स्मीयर्स बनाते हैं, तो उसी तरह से उस टाइम पर भी स्लाइड फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाता था। और यहाँ देखो पैरेलल एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक वैक्यूम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो इस ट्रायंगल्स में है, दैट इज बेसिकली ऑक्यूलर लेंस जिसमें ऊपर लगाया गया है, एंड अगेन इट्स अ कंडेंसर, ये भी एक कंडेंसर ही है, लेकिन ये कंडेंसर क्या कर रहा है, इसी का रिवर्स प्ले रोल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, और नेचर की लाइट को, जो भी सोर्स ऑफ लाइट है उसको कंडेंस करके ऑब्जेक्ट पे पहुंचा रहा था। और यहाँ पर ये जो कंडेंसर लेंस है, ये ऑब्जेक्ट लेंस है, जो जितनी भी लाइट आ रही थी वो लाइट जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब कैसे देखो, जैसे ये अगर अपनी परछाई कैसे बनती है, इमेज बनती ना, है ना, हम अगर खड़े हैं लाइट अगर ऐसे आ रही है तो हमारी पूरी इमेज बनती है, क्यों? बिकॉज वो लाइट के बीच में हम आ गए तो उतने लाइट रेडिएशन हमें रिफ्लेक्ट कर गए और बाकी की लाइट क्रॉस हो गई तो हमारी इमेज बन गई, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट पर जो कंडेंस लाइट आ रही थी तो ऑब्जेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स थे उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया, रेस्ट ऑफ द लाइट वॉज रिफ्लेक्टेड एंड देन एब्जॉर्ब लाइट बाय द कंडेंसर वर अगेन ऑब्जर्व कंडेंस्ड बाय दिस कंडेंसिंग ट्यूब दैट इज फोकल स्क्रू, जो उसको उसकी नॉब को कम ज्यादा करने में हेल्प करता था और उसको फर्दर ऑक्यूलर लेंस तक पहुंचाता था, जिसको हम आईपीस भी बोलते हैं।
आज की डेट में हम उसे आईपीस बोलते हैं, और उससे विजुलाइज करके हम ऑब्जेक्ट को देख पाते थे। तो ये पहला माइक्रोस्कोप बना था जिसे यूज किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। और उन्होंने क्या देखे थे, डेड सेल्स देखे थे, जिन्हें उन्होंने नाम दिया था होलो स्पेस सेल नाम दिया, जिसका मीनिंग क्या होता है, होलो स्पेस। आप छोटी क्लासेस तक क्या पढ़ते हैं, सेल इज अ लिटिल होम, इट्स अ काइंड ऑफ अ रूम वेयर एवरीथिंग कैन बी कंडक्टेड, ये पढ़ते थे ना। बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, सेल इज अ होलो स्पेस, जो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, जो बाद में जाके उसको डिनाई किया गया और ये कहा गया कि नहीं, इट्स नॉट एन होलो स्पेस, इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। और वो क्या क्या थिंग्स हैं, वो क्या है, उसके सेल ऑर्गेनल्स। तो वो अलग अलग सेल ऑर्गेनल अलग अलग साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए थे, वो कैसे किए थे वो भी मैं बताती हूँ, पर पहले इसको समझिए। यहाँ ये चीज आई विश आपको समझ में आ गई होगी कि डायरेक्टली हमारे रॉबर्ट हुक जी ने ही लैंडिंग नहीं की कि ये मैंने ही देख लिया, मैंने ही बता दिया, नहीं, उनके पीछे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने काम किया था। वही चीज आज भी होती है, हम ये जो भी कोरोना का भी रिसर्च कर पा रहे हैं, हम जो भी उसके बारे में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो सारी मेथोडोलॉजी जो हम आज यूज कर रहे हैं, तो हमसे पहले कोई साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो डिस्कवर की हैं और उन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। सो हमेशा इन केस, नॉट ओनली केस ऑफ बायोलॉजी, इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट past history is very important. Before not knowing the past history, you can't move further. Okay, got the point? तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एंटोनियो ल्यूनहॉक भाई साहब की मदद से और हमारे रॉबर्ट हुक जी की मदद से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि सेल नाम की कोई चीज होती है, वो एक होलो स्पेस है जिसके थ्रू नई जनरेशन फॉर्म होती है। लेकिन ये तो बहुत बाद में पता चला, ये तो तब 1665 में तो बस इतना ही पता था कि ऐसा होता है और ये है क्योंकि हम देख पाए। सो दिस वाज अ बिगेस्ट अचीवमेंट, ओके। एंड फर्दर इसके ऊपर और काम होना शुरू हुआ, जिसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जाता है किसको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को, ओके। ही वाज आल्सो अ ड्यूक साइंटिस्ट इन द फ्रॉम द ईयर ऑफ 1632 टू 1723 इज लाइफ टाइम टेन्योर। He did lots of good things. What he did? He nowadays he known as, हम इन्हें किसके नाम से जानते हैं, we known him, he is a father of microbiology. उन्हें ये particular ये कहा जाए कि ओहदा दिया गया कि उन्हें father of microbiologist के नाम से, microbiology के नाम से जाना जाता है, because he was a microbiologist. He was very much interested to see all tiny things. वो दोस्त टाइनी थिंग्स विच आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, जो हम नॉर्मली नहीं देख सकते, उन्हें देखने का इन्हें बड़ा शौक था। तो इन्होंने इसी पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया था। यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप यूज हो रहे थे उनकी लेंस की कैपेसिटी अप्रॉक्स 10x to 30x थी, बट ही वॉज अ पर्सन हु अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग एंड ही प्रिपेयर्ड अप टू 270x माइक्रोस्कोप, 270x माइक्रो मैग्नीफाइंग पावर वाले इतने सारे माइक्रोस्कोप तक उन्होंने बनाए थे। और उसकी मदद से ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, अगेन आई एम रिपीटिंग, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व द एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, लाइक वॉट, प्रोटोजोआ, राइट। वॉट ही ऑब्जर्व लॉट्स ऑफ एक्वेटिक थिंग्स लाइक प्रोटोजोआस, हाइड्रा, बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरियाज, ब्लड सेल्स, स्पर्म सेल्स, ऑल दीज टाइप ऑफ सेल्स वर ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाइड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक इन द एरा ऑफ 1632 to 1723। नीट में भी ये हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सो हर टॉपिक का हिस्ट्री लर्न करना कंपल्सरी है। और ये सारे पॉइंट्स आपको बोर्ड एग्जाम्स में, आपके स्कूल के थ्योरी एग्जाम्स में, अगर आप ये हिस्ट्री पॉइंट्स ऐड करके सारी चीज एक्सप्लेन करते हैं, सो यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स, बिकॉज ईच एंड एवरी फैकल्टी विल अंडरस्टैंड, whosoever is going to check your copy, they will feel, they observe your answer sheet, they understand that you have that much knowledge and you deserve to become a doctor, was okay. So come back. So now Antonio von Leeuwenhoek did this, all those things. Then after him, research was going on and still is going on. So what was the biggest achievement? The achievement was Neumann's groove in the year of 1641 to 1712 with Malpighi. To whom? With Malpighi. Inke saath.
इनके साथ इन्होंने मिलके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट गेन किया, इन्होंने प्लांट टिश्यू आइडेंटिफाई किए। हमने पढ़ा ना बायोलॉजी के मेरे फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में, बताया ना कोई भी सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यूज बनाता है। तो वो टिश्यूज में भी प्लांट टिश्यू सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले कौन कौन थे, मालपिगी एंड नहलमियंस ग्रू, बोथ ऑफ देम इन द ईयर ऑफ 1682। In the year of 1682, they achieved the target and they finally observed and present the plant tissues. Okay, then after him, again, now the research gets interesting. Okay, lots of new things comes out. बहुत नई नई चीजें आने लगी, हर बार कुछ नया पता चलने लगा और ये रिसर्च बहुत फास्ट हो गई। हम एक नए एरा में आ गए थे और हर जगह से नई चीजें पता चल रही थी। तो उसमें से सबसे बड़ी चीज हमें जो पता चली, दैट इज ड्यूकेट वॉज अनदर साइंटिस्ट। इन द ईयर ऑफ 1824 ही स्टडीड एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज बोथ। आप लोगों को अपना 9th स्टैंडर्ड याद होगा, इवन इन 10, नॉट इन 10th बट 9th स्टैंडर्ड आल्सो यू हैव स्टडीड लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज, राइट? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एंड इन केस ऑफ प्लांट टिश्यू परमानेंट टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ऑल दीज पर्टिकुलर टिश्यूज आर देयर। दीज काइंड ऑफ ऑल टिश्यूज वर फर्स्टली ऑब्जर्व बाय हूम, बाय ड्यूकेट। Okay, so he did the biggest, he play a biggest role. जब वो नहीं identify करके बता पाते तो आज हम उस चीज को पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। After his one more person, Robert Brown, in the year of 1831. I know lots of student must know about this discovery. This was the biggest discovery of biological science, and he was the first person who said each and every cell is consist of a particular jelly like central fluid which is a nucleus, and there must be something which is responsible to make cell reproduce, जिसके कारण सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, एक से दो होते हैं, नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, नई जनरेशन बनती है। ये कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन, इन द ईयर ऑफ 1831। ओके, एंड देन फर्दर और मजेदार हिस्ट्री स्टार्ट हुई, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, दैट इज हु इज ही, पर्किन जी। पर्किन जी का नाम किसी ने सुना है, आई विश किसी ने सुना हो। इन द ईयर ऑफ 1839 इस बात को, दैट इज जेली लाइक फ्लूइड मटेरियल एज अ प्रोटोप्लाज्म, जो रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि एक जेली-लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल फ्लूइड होता है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, और ये कहा कि भाई वो किसी न किसी तरह से सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर क्या है, कैसे होता है, क्या क्या कंपोनेंट है, क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, कौन से एंजाइम यूज होते हैं, कौन से हार्मोन यूज होते हैं, क्या न्यूट्रिशन लेवल है, कितना टाइम लगता है, कौन सी स्पीशीज कैसे काम करती है, ये सब कुछ वो नहीं बता पाए थे। लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया था कि देयर इज वन न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ अ सेल, हु कैन डू मिरेकल्स इन द सेल। उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर स्टडी किया गया जिसने पर्किन जी ने, पर्किन जी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस रिसर्च को 1839 में कंटिन्यू करते हुए ये कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो मटेरियल है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जेली लाइक विस्कस मटेरियल है, इसे उन्होंने एक नाम दे दिया, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, उन्होंने कहा कि अलग अलग सेल्स के अंदर ये होता है, तो इसे हम प्रोटोप्लाज्म का नाम दे सकते हैं, जो फर्दर साइटोप्लाज्म के नाम से भी जाना गया, जो हम जानते हैं, राइट? फर्दर नेक्स्ट द नाउ द हिस्ट्री मूव्स अहेड, जिसके कारण हमने बहुत सारे अचीवमेंट आज पाए हैं, दैट इज सेल थ्योरी। एग्जैक्टली द डिस्कवरी ऑफ अ सेल थ्योरी, ये 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है ना बच्चों ने, शायद याद नहीं होगा, बट मैं फिर से बताती हूँ, दैट इज क्रीडन एंड श्वान, बोथ ऑफ देम आर ग्रीक साइंटिस्ट एंड बॉटनिस्ट, बेसिकली बॉटनी के साइंटिस्ट थे वो। 1838 एंड 1839 में दोनों ने मिलकर कॉन्सेप्ट दिया था सेल थ्योरी का। सेल थ्योरी कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था जो रॉबर्ट ब्राउन कहते थे कि कोई भी एक सेल जो है वो दो में डिवाइड होता है, या कोई भी एक सेल जो है वो नए जनरेशन को फॉर्म करता है, और जो नया जनरेशन या न्यू ऑफस्प्रिंग आया है उसके अंदर जो पेरेंटल है उन पेरेंटल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। इस तरह के ये पूरे थॉट प्रोसेस को, पूरे कॉन्सेप्ट को इन द फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी डिस्कवर किया था पर स्क्रीडन एंड शॉन ने, लेकिन उस थ्योरी को फर्दर प्रूव किया, क्योंकि इन दोनों ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसको बोलते हैं क्या, एक फिलोसॉफी, उन्होंने एक फिलोसॉफी दी कि ऐसा हो सकता है,
है ना, दे हैव नॉट प्रूवन कि ऐसा ही होता है, उन्होंने ये कहा। दोनों में बहुत डिफरेंस है, किसी चीज को प्रूव करना और किसी चीज को सजेस्ट करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो बोथ ऑफ देम वर सजेस्टेड दैट ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज दे आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल, सो सेल्स मे हैव दिस प्रॉपर्टी दैट व्हेन दे डिवाइड दे कैरी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन, दे मे कैरी, ओके, सो बट दे आर नॉट एबल टू प्रूव इट, एंड दिस प्रूवन कॉन्सेप्ट वॉट गिवन बाय रॉबर्ट वर्च्यू। Okay, again he was the third person. So today in junior standard you studied three names. Okay, Sliden, Sean and Virtue, तीनों के नाम आप एक साथ पढ़ते हैं, है ना। वहाँ पे यही भी सिखाया जाता है, आप अपनी पुरानी 9th standard की या 8th standard की books, 8th में तो नहीं 9th में दिया है, 9th standard की books उठाएं, उसमें देखें तो उसमें तीनों का नाम एक साथ दिया है कि इन तीनों ने मिलकर सेल्फ थ्योरी डिस्कवर किया था। बट एग्जैक्टली सिनेरियो क्या था, स्क्रीडन और स्वान ने इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था और फर्दर उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की, किसने, रॉबर्ट वर्च्यू ने, एंड ही प्रूवन इन द ईयर ऑफ 1855 ही प्रूव दैट एंड ही गिव्स अ पर्टिकुलर डिस्कवर्ड अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट ईच एंड एवरी, यस, स्लीडन एंड स्वान वॉज गिवन दिस राइट कॉन्सेप्ट एंड ईच एंड एवरी सेल इज डेवलप फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो भी नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो उनके पुराने पैरेंटल सेल से ही बन रहा है, इसीलिए रिप्रोडक्शन होता है और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो पाते हैं, नई जनरेशन को फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, सो इन दिस वे दिस इज द स्मॉल एंड बिग हिस्ट्री ऑफ सेल। ओके, आई विश आपको ये हिस्ट्री में मजा आया होगा, आपने ये जानने की कोशिश की, आपको ये पता चला कि कितने सारे लोगों से मिलकर किए गए काम को, एफर्ट को कंपाइल करके एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना और ये हिस्ट्री बनी कि भाई हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से मिलकर बना है, सेल जैसी कोई चीज होती है और वही सेल डिवाइड भी होता है और डिवाइड होकर नई जनरेशन को बनाता भी है। तो ये जो अब हमारा अगला टॉपिक है, दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ सेल, आवर नेक्स्ट टॉपिक is cell theory, okay, in which we're going to discuss all the points related to the research of cell theory. This cell theory is again a big topic, okay, there are so many new inventions. आपने जो 9th standard में पढ़ा है वो आपने overview पढ़ा है, हम अब इसको और detail में cover up करेंगे। ठीक है, so इससे पहले मैं वो topic start करूँ, फटाफट आप लोग इसको note down करिए, जिसका अगर छूट गया हो तो please note करिए, diagram भी बनाइए, हम जल्दी मिलते हैं। okay, thank you.